हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को सलवार में खड़ी पॉकेट बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सलवार की बेल्ट लगा दी हूँ। तो फ्रेंड, सलवार यहाँ पे रेडी करने के बाद पॉकेट लगाई जाती है। तो कैसी लगाई जाती है, किस तरह हम लगाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना फ्रेंड। तो ये देखिए, बेल्ट का सेंटर ये इस तरह से आपको रख लेना है, बीचों बीच मिलाते हुए ये नेफा वाला एरिया को छोड़ देना है। अभी इसको स्टिच नहीं करना है। अब हम यहाँ से मिलाते हुए कपड़ा को फैला लेंगे और फीता लेकर मार्क लगाएंगे। तो इसमें कितना दूरी लेना होता है जो परफेक्ट हाथ जाए, तो उसके लिए मैं सेंटर से आपको बताऊँगी कि कितना लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ से आप देख सकते हो ये ओपन है, तो सेंटर से आप यहाँ से 10 इंच या 11 इंच ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे हेल्दी लेडीज है, इसलिए मैं 9.5 इंच पे मार्क लगाऊंगी। तो इस तरह से आपका ठीक एकदम साइड में पॉकेट आएगा, बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तरह से 8 इंच पे कट कर लेना है। तो ये बेल्ट के एरिया जो है पूरा पूरी 9 इंच मैं लेकर बनाई थी सलवार, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 8 इंच का कट कर रही हूँ, जिससे क्या हो कि 8 इंच में से 6 इंच पॉकेट के लिए हाथ में चला जाएगा और नीचे 1 इंच मैं माइनस कर दी हूँ और ऊपर में नेफा के लिए फोल्ड हो जाएगा। तो बन के रेडी होगा 6 इंच। तो चलिए, फैब्रिक अलग से 2 पीस लेंगे, इस तरह से डबल में बिछा लेंगे और लंबाई यहाँ मैं लूँगी 11 इंच। तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा पॉकेट के लिए लंबाई लेंथ ले सकते हैं। तो 11 इंच पे लेंथ लेकर इस तरह से निशान बनाना है 7 इंच पे। तो 7 इंच चौड़ाई में ले रही हूँ, ये नॉर्मल साइज है। अगर इससे बड़ा चाहिए तो 8 इंच लगा सकते हैं। ऊपर से मैं यहाँ पे 3.5 इंच का चौड़ाई लूँगी। तो इस तरह से चौड़ाई लेकर इस निशान से इस निशान को हल्का सा गोलाई शेप में दूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे गोलाई देने से पहले सीधी लकीर लगा के और यहाँ से थोड़ी थोड़ी गोलाई देते हुए जाएंगे, तो इस तरह से आपका अंदाज भी आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी दे सकते हो गोलाई, जैसे मैं आपको बताई हूँ वीडियो में, बिल्कुल इस तरीके से आप पॉकेट कटिंग करना बहुत आसान है फ्रेंड। तो सलवार में पॉकेट लगाना और यहाँ पे कटिंग करके बनाना बहुत आसान है। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब पॉकेट की लेंथ कितना ओपन रखना है यहाँ से मैं दिखा दूँ। तो टोटल 8 इंच ओपन है, तो पॉकेट में भी 8 इंच पे हम एक निशान लगा के यहाँ पे कट करेंगे। तो पहले निशान 8 इंच पे लगा देती हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से सेंटर से कटो कट कर देंगे यहाँ पे, देखिए इस तरह से कट करना है, क्योंकि ये जॉइंट पल्ला ली हूँ तो आपको इस तरह से बंद पल्ला ही के तरफ से ही लेना है आपको। तो इस तरह से देखिए कट कर ली हूँ। अब ये कट वाली एरिया को क्या करेंगे, सलवार को पहले खोल के ओपन करेंगे, इस तरह से घुमा के सीधा कर लेंगे, बिछा लेंगे। बिछा के इसके ऊपर पॉकेट वाली फैब्रिक को यानी कपड़े को जो कट किए हैं उसको दोनों को किनारी मिलाते हुए यहाँ पे हम बिछाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हम आपको दिखा दें। तो इस तरह से कट वाली एरिया को सेंटर में मिलाते हुए यहाँ पे आपको रखना है और इस तरह से मिलाते हुए दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए, एकदम फैब्रिक एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे पिन हम 2 से 4 लगा लेंगे, जिससे क्या होगा कि पिन लगाने से हमारा कपड़ा साइड से घसकेगा नहीं जब हम सिलाई करेंगे, तो सिलाई अच्छी तरह और जल्दी हो जाए इसलिए। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर कहीं पे डाउट हो रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड, ये तरीका बहुत आसान है पॉकेट लगाना। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपका ये बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ देखिए पिन सिक्योर कर ली हूँ, अब यहाँ जगह से घसकेगा नहीं, अब इस जगह में सिलाई हम लगा लेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं और यहाँ कॉर्नर पे आएंगे कट वाली जगह पे। तो यहाँ पे थोड़ा आराम से हम सुई को नीचे की तरफ रखेंगे, फिर टर्न करके आगे की तरफ सिलाई लगाएंगे फ्रेंड। तो जैसे मैं वीडियो में स्लो करके बनाई हूँ फ्रेंड, क्योंकि ये कमेंट आया था कि आप वीडियो बनाए तो थोड़ा स्लो में बनाए, बहुत फास्ट हो जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो को स्लो करके आपको पॉकेट अटैच करना सिखा रही हूँ फ्रेंड। तो उम्मीद करती हूँ आपके हिसाब से मैं वीडियो बना रही हूँ तो ज़रूर पसंद आएगा। अब ये सिलाई के बाद पिन को निकाल लेना है। तो अब पिन निकालने के बाद आप उसको साइड में रख दीजिए और रखने के बाद अब यहाँ पॉकेट की जो नोकीला जगह है यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाना होता है, इसलिए कि पलटने में आसानी हो और ध्यान रहे धागा ना कटे सिलाई वाली।
तो बस हल्का सा कट आपको ज़रूर लगाना है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे कट हो गई है, अब ये पलटने में आसानी हो जाएगी। तो हम अब इसको उल्टा करके अंदर की तरफ ले जाएंगे, कुछ इस तरह से अंदर करके नाखून से प्रेस करेंगे, उसके ऊपर में टॉप की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड टॉप की सिलाई इसलिए लगाते हैं क्योंकि डबल सिलाई भी हो जाएगी और फैब्रिक अंदर की तरफ पलटने में आसानी लगेगी और फिनिशिंग आएगी, इसलिए हम टॉप की सिलाई इसके ऊपर लगाए हैं। अब पॉकेट वाली एरिया को दोनों को एक दूसरे के ऊपर में मिलाते हुए यहाँ से मिला के हम रखेंगे और रख के यहाँ से गोलाई पॉकेट पे सिलाई लगाएंगे। तो जैसे पॉकेट की गोलाई देख रहे हैं बिल्कुल शुरू यहाँ से करेंगे और हाफ इंच की मार्जिन ही लेना है, बस इसी तरह सिलाई लगा देना है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई पॉकेट की। अब इसको हम सेंटर से साइड में कैसे पलटेंगे, यहाँ देखिए कुछ इस तरह से हम पॉकेट वाली एरिया को अंदर की तरफ रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर जो सिलाई हुई थी इसके ऊपर मिलाते हुए इसके ऊपर में यहाँ 2 इंच का सिलाई लगाएंगे। जो नेफा के लिए हम पलटते हैं तो उसको स्टिच करके हम बंद कर देंगे। तो बस ध्यान रहे 2 इंच ही लेना है ऊपर से, क्योंकि 8 इंच कट था पॉकेट का, तो 8 में से 2 इंच यहाँ पे हम सिलाई करके बंद करेंगे, तो 2 में से 6 बचेगा पॉकेट में हाथ आसानी से और मोबाइल आसानी से आ जा सके, इसलिए 2 इंच यहाँ पे सिलाई करके हम बंद कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से सिलाई करके मैं निकाल ली हूँ फ्रेंड, ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत आसान है पॉकेट का सिलाई लगाना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड पॉकेट यहाँ पे लग गई है और हाथ भी आसानी से जा रही है। अब कुछ इस तरह से हम इसको पलटेंगे तो सामने की तरफ पॉकेट को यहाँ से मिलाते हुए रखेंगे। देखिए फ्रेंड इस तरह से हम एक दूसरे के सामने रखेंगे, ठीक है। पॉकेट वाली एरिया देखिए इस तरह से रखना है, रख के सेंटर के तरफ रखना क्योंकि हाथ उस तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पर रखने के बाद अब इस जगह से सिलाई लगाएंगे, तो सिलाई लगा के बंद करना होगा क्योंकि जब हम नेफा डालेंगे यानी जब नारा डालें तो अटके ना। तो यहाँ पे इसको जगह को बंद रखना है, बंद करके यहाँ पे हल्की सी कच्ची रफ्ती सिलाई करना है। तो इस तरह से सिलाई करने के बाद ये पॉकेट का एरिया जो है घूमेगा नहीं बल्कि फिक्स अपनी जगह एक साइड ही रहेगी, नहीं तो ये क्या होगा जब हाथ आप डालोगे तो पॉकेट दोनों साइड घूमने लगती है। इसलिए यहाँ पे हम सिलाई लगा के बंद किए हैं और जब हम नेफा के अंदर नाड़ा डालेंगे तो पॉकेट के अंदर अटकेगा नहीं, इसलिए। तो फ्रेंड यहाँ पॉकेट तो फिक्स हो गई, अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं हाथ डाल के। देखिए फ्रेंड यहाँ पे पॉकेट इस साइड आ गई सेंटर के साथ, तो ये पॉकेट घूमेगी नहीं। अब जैसे कि हमें यहाँ पे नाड़ा डालने के लिए होल बनाना है, तो जैसे हम कुर्ती के चाक बनाते हैं तो वैसे ही सेम यहाँ पे हम एक सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से सिलाई लगाना है आपको नेफा में, तो नेफा बनाकर लगाना है। अगर आपको इस जगह में नेफा नहीं लगाना है, इलास्टिक लगाना है, तो आप इलास्टिक लगा सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए होल में तैयार कर दी हूँ। अब इसको कैसे फोल्ड करना है, देखिए नॉर्मल बस यहाँ पे फोल्ड करके हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से हल्का सा फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर में हम सिलाई यहाँ पे पहले पक्की कर लेंगे किनारे में, उसके बाद इसके ऊपर में हम सिलाई पूरे बेल्ट में लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड पॉकेट वाली एरिया को यहाँ पे ठीक से आपको फैला लेना है, फैलाकर फिर नेफा की यहाँ पे अच्छी तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आपका कपड़ा थोड़ा 8 तह में हो गया, इसलिए आराम से यहाँ पे फोल्ड करना है, फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे नेफा बिल्कुल राउंड में आपको सिलाई चारों तरफ लगा लेना है, जिससे आपका बेल्ट वाली एरिया कंप्लीट हो जाए फ्रेंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको पॉकेट लगाना आ गया होगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा ये तरीका पॉकेट लगाना सलवार में। तो ये मैं खड़ी पॉकेट लगाई हूँ इस सलवार के अंदर, तो ये बहुत आसान होती है पॉकेट से सामान निकालने में या मोबाइल डालने में, इसलिए मैं खड़ी पॉकेट लगाई हूँ फ्रेंड। तो आप सलवार की देखिए साइज़ इस तरह से हम दिखाते हैं आपकी पॉकेट। तो फ्रेंड यह देखिए खड़ी पॉकेट मैं लगा दी हूँ, तो यहाँ से देखिए हाथ कितनी इजीली तरीके से जा रही है। और आप यहाँ पे हाथ डालिए या बड़ा वाला जितना भी साइज का 6 इंच का फ़ोन भी डाल सकते हैं। तो मैं बड़े साइज का फ़ोन डाल के यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड।
तो ये फ़ोन भी आसानी से आ रहा है जा रहा है। तो आप कहीं भी सफ़र में जाते हो तो अगर आपके पास सलवार में पॉकेट रहेगी तो आप मोबाइल हो, चाबी हो, कुछ भी डाल के आप कहीं भी जा सकते हो फ्रेंड। तो इस तरह से मैं खड़ी पॉकेट आपको बनाई हूँ, क्योंकि खड़ी पॉकेट आपका झूलेगा नहीं सलवार, नहीं तो क्या होता है कि अगर साइड से पॉकेट बनाते हैं तो वो झूलने का चांस रहता है, इसलिए खड़ी पॉकेट बनाना आपको सिखाई हूँ फ्रेंड। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा फ्रेंड। तो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड। और इस सलवार में जैसे मैं बनाई हूँ पॉकेट, आप भी बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को पॉकेट लगाना आ गया है। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड आप लोग को ये सलवार की पॉकेट जैसे लगाई हूँ, और भी कुछ वीडियो बनाना है अगर किसी टॉपिक पे, तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थोड़ा टाइम लगता है पर आप लोग का डिमांड पूरा करती हूँ। तब तक के लिए इन्जॉय कीजिए, मिलती है अगली वीडियो।